हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विक्रम। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख लीजिए, आपके सामने एक है मैसा टैंक, इसके साथ ही एक और है, देख लीजिए, मौका टैंक। ये दोनों को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको। देख सकते हैं आप, मॉडल ये वाला आर्मी टैंक के जैसा दिया हुआ है। ये सेम आर्मी कलर भी सेम आर्मी टाइप दिया हुआ है। इसके साथ ही ये वाला मौका टैंक दिया हुआ है, जो बॉम्ब शूटिंग होगा इसके अंदर से। ठीक है, पहले आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में ये वाला मौका टैंक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ओके, इसके अंदर आप फंक्शंस देख लीजिए, पीछे की साइड में फंक्शंस देखेंगे। वाटर बम टैंक, वाटर बम लॉन्च कॉम्बो, एड वाटर बम, 180 डिग्री रोटेटिंग होगा ये वाला इसके ऊपर का। ठीक है, इधर और भी फंक्शन आप देख लीजिए, वाटर बम, फ्री पोजीशन, रबर टायर के साथ आएगा, एनोग साउंड आएगा इसके अंदर, स्ट्रांग पावर के साथ है ये मॉडल। ओके, इसको ओपन कर लेता हूँ बॉक्स को। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। ठीक है, देख लीजिए, बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चला के दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, इसके साथ में अपने को मिला, ये देख लीजिए, यूएसबी केबल। इसके साथ में ये देख लीजिए, जो वाटर बम है वो मिला है। ये आपको 24 आवर्स वाटर के अंदर डाल के रखना है, उसके बाद ये बिग साइज में होगा। ठीक है, इसके साथ में ओपन कर लेता हूँ इसका रिमोट, रिमोट को ओपन कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये इसका रिमोट दिया हुआ है। इसके रिमोट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे, इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है, पैकिंग वगैरह। क्लिप्स ओपन कर लेता हूँ इसके, ये देख लीजिए टैंक, इधर से इसमें वाटर बम लोडिंग करने, इसके बाद इसको कैप को लॉक कर देंगे। इसके बाद इसमें बटन, रिमोट के अंदर एक बटन दिया हुआ रहता ये वाला, ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बम शूटिंग होगा इसके अंदर से। ठीक है, इसके अंदर बैटरीज लगा देंगे, 3.7 वोल्टेज की बैटरीज लगेगी इसके अंदर, देख लीजिए, ओपन कर लेता हूँ। एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसके लिए, ये देख लीजिए, ओपन कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, बैटरी से फिटिंग ही है ऑलरेडी, तो रख देंगे इधर। इसके बाद इसमें बैटरी लगाएंगे दो डबल है, ये देख लीजिए, ओपन कर लिया। ये देख लीजिए आप, बैटरी लगा दी मैंने इसके अंदर भी, के अंदर आपको चला कर दिखाऊंगा। उसके बाद टैंक भी अनबॉक्सिंग करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा फाइटिंग करवा के, देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त, चलने में एकदम बहुत स्मूथली चल रहा है, देख लीजिए। ये फ्रंट बैक, फ्रंट बैक रहेंगे, देख लीजिए, बैक केवल राइट लेफ्ट। ओके, फ्रंट की साइड देंगे एक बार, इसकी आप क्वालिटी वगैरह देख लीजिए। इसके टायर की बात करो, टायर इसके रबर के दिए हुए हैं टोटली, चारों टायर। पीछे की साइड में मोटर्स दी हुई है इसकी, इसकी बैटरी 3.7 वोल्टेज की दी हुई है, जो चार्जेबल बैटरी के साथ है, ये देख लीजिए, 180 डिग्री रोटेटिंग होगा ये, देख लीजिए, लास्ट इधर तक रोटेटिंग होगा, आप देख सकते हैं। ओके, इसको बूम शूटिंग करना था, देख लीजिए, इसका साउंड आ रहा है, बॉम्ब शूटिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसके साथ ही मैं अभी मैसा टैंक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये दोनों की फाइटिंग करवाएंगे, कौन सा जीतेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके, ये देख लीजिए आप, ये मैसा टैंक है, इसका नाम आप देख सकते हैं 59D टैंक इसका नंबर है। इसके साथ इधर भी देख लीजिए, मौका लिखा हुआ है। इसके 27MHZ रिमोट कंट्रोल टैंक क्रॉवलर वॉकिंग के साथ है। इसके अंदर आप और भी इधर भी फंक्शंस देख सकते हैं,
देख लीजिए रोटेट 300 डिग्री रोटेटिंग होगी। स्टॉप फंक्शंस इसमें देख सकते हैं आप, गो फॉरवर्ड स्टॉप, बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, 300 डिग्री रोटेटिंग। प्लस इसके अंदर टंग का साउंड भी आएगा और फ्रंट की हेडलाइट भी आएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसको अपने को मिल जाता है साउंड पिंग कंपनी वालों की तरफ से। ये देख सकते हैं आप मॉडल 1.18। इसके अंदर टू कलर्स आपको मिल जाते हैं, मैंने इसके अंदर ये आर्मी कलर लिया हुआ, देख लीजिए आप ये वाला। और भी इधर भी आप फंक्शंस देख सकते हैं इसमें, ओके। इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने लिया 1600 के अंदर लोकल शॉप से। ये देख लीजिए इधर स्टिकर भी है प्राइस का, ओके। आपको खरीदना, आप भी खरीद सकते हैं। और जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था उसकी भी आप प्राइस देख लीजिए, अपना मैसा टैंकी, उसकी भी प्राइस सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंट है 200 का। ये मैंने 1800 में लिया, देख लीजिए इधर प्राइस है, ठीक है। इसको बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, इधर भी आप फंक्शन देख लीजिए एक बार। और आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देख लीजिए बॉक्स को ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप टैंक। इसके अंदर भी अपने को सेम टू सेम यूएसबी केबल मिल गई है, देख लीजिए। इसके साथ ही इसकी पैकिंग इस बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है, देख सकते हैं आप। इसमें भी ओपन कर लेंगे एक बार, ये देख लीजिए ओपन कर दिया, इधर रख देता हूँ। इसके साथ मेरे को मिली है 3.7 वोल्ट की बैटरी, ये देख लीजिए। इसको ओपन कर लेता हूँ रिमोट को, ये देख लीजिए अपने को रिमोट मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त सेम आर्मी कलर टाइप रिमोट दिया हुआ, देख लीजिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त रिमोट दिया हुआ है। इसके अंदर क्वालिटी भी रिमोट की बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है। इसके अंदर बैटरीज लगेगी 2 बैटरीज, ठीक है, वो लगा देंगे अपन। उसके बाद मैं आपको टैंक के अंदर बैटरी लगा के दिखाऊँगा, उसके बाद चला के दिखाऊँगा टैंक, और दोनों की फाइटिंग भी करवाएंगे कौन सा ज़बरदस्त है दोनों में से। देख लीजिए फिटिंग हो गई, इधर रख देता हूँ। इसके साथ में इसको ओपन कर लेता हूँ टैंक को, ये देख सकते हैं इसमें मैंने बैटरीज लगा दी है, ठीक है। देख लीजिए आपको दिखाना एक बार, दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए 3.7 वोल्टेज की बैटरी, ठीक है। इसको लॉक कर दिया, इसको ऑन कर लेंगे, इधर बटन दिया हुआ है, देख लीजिए साउंड भी आ रहा है, चला कर दिखाऊँगा आपको, देख लीजिए। चल रहा है बहुत ही स्मूथ है, देख लीजिए आप, ओके। इसके अंदर भी ये देख लीजिए रोटेटिंग होगा, 300 डिग्री रोटेटिंग होगा, देख लीजिए आप पूरा इधर तक रोटेटिंग होगा, लास्ट तक देख सकते हैं आप इधर तक, ठीक है। ऐसा ऊपर भी उठा सकते हैं इसको, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल दिया हुआ टैंक भी। इसके अंदर टायर की बात करें तो देख लीजिए रबर की पट्टी दी हुई है, ठीक है, ओके। दोनों की फाइटिंग करवाएंगे अभी, दोनों टैंक आप देख सकते हैं आमने सामने रख दिए हैं, देख लीजिए फ्रंट की साइड लेंगे दोनों को, देख लीजिए। इसके भी टायर घूम रहे हैं, पर ये इसके अंदर बहुत पावर ज़्यादा दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके अंदर बटन दबाया तो अभी आगे पीछे नहीं जा रहा, इसमें दबाएंगे, देख लीजिए इसको खिसके लेके जा रही है। इसके अंदर स्पीड की बात करेंगे एक बार, देख लीजिए इधर रख दिया दोनों को, फ्रंट की साइड में लेंगे दोनों को। स्पीड के मामले में वो देख लीजिए आप, दोनों को इधर मैंने रख दिया, देख लीजिए दोनों का बटन एक साथ दबाऊंगा, स्पीड कौन सी फास्ट आती है देखेंगे अपन। ये देख लीजिए स्पीड की बात करें तो स्पीड के अंदर फास्ट है, स्पीड की बात करें तो स्पीड में फास्ट दी हुई है ये वाली, ठीक है।
स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ही तेज दी हुई है, फास्ट स्पीड है। इसकी स्पीड की बात करें, स्पीड 2 है। पावर की बात करें तो इसके अंदर पावर कैपेसिटी ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ एक और मेरे पास जेसीबी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए मेरे पास पुराना जेसीबी है, ये रख देता हूँ साइड में। ये देख सकते हैं आप जेसीबी मशीन, ये मैंने एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखाया ऑलरेडी आपको पहले। एक बार और रिटर्न से ओपन कर लेता हूँ बॉक्स को, देख सकते हैं आप। ओपन कर रहा हूँ बॉक्स को, इसके अंदर फंक्शंस आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिए थे पहले भी। बैटरी ऑपरेटेड है, 680 डिग्री रोटेटिंग होगी ये, ठीक है। हैवी मशीन सुपर ट्रैक, इधर फंक्शंस आप देख सकते हैं। इसकी कंपनी का नाम पेपर भी है। ये अपने को प्राइस की बात करें तो इधर देख लीजिए आप प्राइस, ये प्राइस की बात करें तो 1500 सिल्वर कुछ इसकी प्राइस है। इसको भी बाहर निकाल देता हूँ, देख लीजिए बाहर निकाल दो। आप चैनल के ऊपर एक बार पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये देख लीजिए बाहर निकाल दिया कवर से, बहुत ही दिखने में ज़बरदस्त है एकदम। इसकी पैकिंग वगैरह बहुत अच्छी दी हुई है। इसका नाम देख लीजिए सोवेल लोडर। इसके अंदर रिबॉन्ड के अंदर बैटरी लगेगी, जो ये वायरलेस नहीं है, वायर के साथ आएगा, ठीक है। ओपन कर लेता हूँ इसको भी, ये देख लीजिए रिमोट को ओपन कर लिया। इसके साथ इधर इसको भी पैकिंग ज़बरदस्त से की हुई है, एक बार इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये देख लीजिए आप जेसीबी को बाहर निकाल दिया मैंने, इधर रख देंगे। इसके अंदर भी बैटरीज लगाएंगे अपन, अभी देख लीजिए। इसके अंदर इधर बैटरीज लगेगी, ओनली रिमोट के अंदर बैटरीज लगेगी इसमें, ठीक है। ओपन कर लेता हूँ इसका, स्क्रू ड्राइवर से जरूरत पड़ेगी एक आपको। ओपन कर रहा हूँ, इतने टाइम आप चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए। ये देख लीजिए ओपन कर रहा हूँ अभी तक, देख सकते हैं इसके अंदर आपको 4 बैटरीज लगेगी, तो मैं लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 बैटरीज ले ली मैंने, 1, 2, 3, 4 बैटरीज लगा दी, देख लीजिए आप। इसके साथ इसका कैप फिटिंग कर देंगे, फिटिंग करने के बाद भी आपको चला के दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये देख लीजिए चलने में बैक फ्रंट कौन सी साइड लेनी है, 360 रोटेटिंग होगी। फुल वीडियो चाहिए इसका, पुराना वीडियो है वो देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए रोटेटिंग भी। और बॉक्स को भी ले लिया, देख लीजिए गिरा दिया बॉक्स को, इधर रख दिया। इसका पावर चेक करेंगे एक बार, ठीक है, देख लीजिए रख देंगे इसको अभी। जो उल्टी पड़ी है कार, इसको उठाने की ट्राई करेंगे। देख लीजिए एक बार, ये साइड इधर रख देंगे कार को, ऐसा रखेंगे कार को, इसको उठाने की ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है। देख लीजिए इसको पकड़ लिया अभी, अब बैक साइड खींचेंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कार को सीधा कर लिया इसने, बहुत ही ज़बरदस्त जेसीबी दी हुई है, ठीक है। ये दोनों को एक बार पावर भी चेक करेंगे अपन, देख लीजिए ऑन कर लेता हूँ इसको भी, ऑन कर लिया। ये दोनों के पावर की बात करें तो कौन सा पावर में नंबर 1 है देखेंगे एक बार, देख लीजिए मेरे पास रिमोट है दोनों का भी, ये देख लीजिए। जेसीबी की पावर की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त पावर दिया हुआ जेसीबी के अंदर, देख लीजिए। देख सकते हैं आप ये वाली कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, जेसीबी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पावर दिया हुआ है, ठीक है।
दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल के ऊपर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तीनों की भी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के अंदर तीनों ही बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। प्राइस की बात करें तो तीनों के प्राइस सेम ही है, 100-200 का डिफरेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, टैंक टाइप दिया हुआ है, ये भी टैंक टाइप दिया हुआ है और ये जेसीबी टाइप दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें तीनों के रिमोट की बात करें तो ये देख लीजिए, इसका मैसा टैंक का रिमोट दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला ये टैंक का दिया हुआ है अपना, और ये वाला जेसीबी का रिमोट दिया हुआ है, ठीक है। रिमोट की बात करें तो ये देख लीजिए ना, मौका टैंक के अंदर बहुत ही बिग साइज़ में रिमोट मिला हुआ है, इसके अंदर मीडियम साइज़ है, इसके अंदर और इस छोटा है, ठीक है। तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।